गुड मॉर्निंग क्लास, पाक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की क्लास जो हमारी है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मैरिज। जैसे कि आपको पता ही है कि पाक इंस्टीट्यूट ने एक इनिशिएटिव लिया है और हम जो आपका फीमेल सुपरवाइज़र है उसका जो भी सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आपका पूरा सिलेबस है आपका जो फीमेल सुपरवाइज़र का, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ इस कोर्स के अंडर। ठीक है, आपको पता है अभी तक हमने जो अभी तक हमने सोसाइटी पढ़ लिया, कम्युनिटी पढ़ लिया, एसोसिएशन हमने पढ़ लिया, साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज और मोड्स भी पढ़ लिया। पहले मेरा कोशिश है कि आपको जो रिलेटेड टॉपिक है या डेफिनेशन है सारी, वो मैं सारी आपको कंप्लीट कर दूँ। अब आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं मैरिज, ठीक है, और आने वाले अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम फैमिली और किनशिप को इकट्ठे कवर करेंगे। मैरिज क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक ही वीडियो बनाई है। तरीका हमारा वही होगा, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल्स, टाइप्स वगैरह, हर एक चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे। एमसीक्यूज की भी मैं एक सीरीज लाऊंगा, जैसे यूनिट वन कम्प्लीट होगा मैं एक आपका 50 से 100 एमसीक्यू लेके आऊँगा जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स को मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हों, और अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसमें, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप अगर आप शेयर करेंगे, आप इसको अच्छे से देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगी और मैं पूरे सीरीज़ को अच्छे से चला पाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए मैरिज की बात करें, देखो मैरिज की अगर हम बात करें तो मैरिज क्या है, पहले हम ये समझते हैं, ठीक, कि मैरिज की डेफिनेशन क्या है। देखो मैरिज की बात करें तो मैरिज क्या है, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। देखिए इंस्टीट्यूशन का क्या, हम क्यों इसको एक इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, फैमिली को हम एक इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, मैरिज को हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, ऐसा क्यों है? देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इंस्टीट्यूशन होने के मेन क्या होते हैं, आपके जो सिनेरियोज होते हैं कि भाई एक रूल्स होते हैं और सोशली एक्सेप्टेड होता है वो, ठीक है ना, और वक्त के साथ वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो जो नॉर्म्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था किस तरह से नॉर्म्स जो इवॉल्व होते हैं, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्गर रिजिड नॉर्म्स होते हैं वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये एक लॉ की शेप में भी आ जाते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैरिज को क्या किया है, डिफाइन किया। अगर हम जनरल लेवल पर देखें तो मैरिज क्या होता है, ठीक है, मैरिज देखिए पहला तो पॉइंट यही आया था कि मैरिज जो है इट इज़ एन एसेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, ये एक सबसे एसेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी को एक शेप देता है, क्योंकि मैरिज जो होता है मैरिज के थ्रू ही क्या होती है, आप फैमिली की इंस्टीट्यूशन की तरफ जाते हो। मैरिज ही एक क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है किसका, फैमिली का, ठीक है। जो फैमिली होती है वो बनती कैसे है, मैरिज के थ्रू बनती है, ठीक है। जब मैरिज होती है, बच्चे होते हैं, उसके आगे बच्चे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये जो मैरिज है ये इट गिव्स राइज टू फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। और इसीलिए फैमिली को सस्टेन करने के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो चलता रहे। देखिए अब मैरिज क्यों कोई करता है, देखो अलग अलग लेवल पे चीज़ होती है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो जो मैरिज है वो क्या करती है, आपकी जो बायोलॉजिकल नीड्स है उसको फुलफिल करती है, जो आपकी सेक्शुअल नीड्स है उसको फुलफिल करती है। साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर हम देखें तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देती है मैरिज, वो आपको मतलब जब एक इंसान, एक कपल का बच्चा होता है तो जो एक प्रोकेस्टिनेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या करती है, वो आपका सेटिस्फाई करती है। तो आपकी कई लेवल पे साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वो भी मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन उसको सॉल्व करता है। और ब्रॉडर लेवल पे अगर हम देखें तो जो मैरिज है इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ सोसाइटी। देखो सोसाइटी एज ए होल तभी सर्वाइव कर सकती है अगर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग रहे और एक तरीके से चलता रहे, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, मैरिज और फैमिली और किनशिप, इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सोसाइटी जो है वो आपके डिपेंड करती है, ठीक है। अब अगर देखें हम मैरिज की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके रिगार्डिंग, है ना। तो अगर हम बात करें तो जो जो आपका मैरिज है, स्टार्टिंग में कई स्कॉलर्स जब इनिशियली इसको, हाँ इनिशियली जब इसको देखा गया तो कई स्कॉलर्स ये मानते थे कि मैरिज जो है वो एक न्यू इंस्टीट्यूशन है, वो अभी रिसेंटली ही आपका सोसाइटी के अंदर उसकी इमरजेंस हुई है। बट उसके बाद एक स्कॉलर आए जिनका नाम था आपका वेस्टरमार्क, इन्होंने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ मैरिज। कब लिखी थी इन्होंने बुक, 1861 में,
कब लिखी थी, सॉरी 1891 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ मैरिज। और इसमें इन्होंने कहा था कि जो मैरिज है वो एज एन इंस्टीट्यूशन उतना ही ओल्ड है जितनी आपकी ह्यूमैनिटी है, ठीक है ना। ऑल्दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स इसने चेंज किया, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मैरिज की जो डेफिनेशन है वो अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट आप देखोगे सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है देखिए वो अलग होता है। लेकिन नॉर्मल लेवल पे बात करें, एक इंस्टीट्यूशन कैसे उभरता है या एक कोई भी नॉर्म है वो कैसे उभरता है, जो हमारे लिए सही है ज़रूरी वो किसी और सोसाइटी के किसी और पर्सन के लिए सही हो, तो वो वैरी करता है। वैसे ही जो इंस्टीट्यूशन है जब आप उसको देखोगे, जब आप इसको एनालाइज करोगे डिफरेंट डेफिनेशंस के थ्रू, मैं आपको भी समझाऊंगा भी, तो आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो मैरिज है वहां पे क्या होता है, इट इज मोर पैट्रियार्कल इन नेचर, यानी कि लड़की ब्याह के लड़के के घर जाती है, पैट्रिलिनियर है नेचर के अंदर। जबकि अगर आप खासी ट्राइब की बात करो जो नॉर्थ ईस्ट में है, वो मैट्रिलिनियर है नेचर के अंदर, यानी वहां पे लड़का ब्याह के लड़की के घर जाता है, ठीक है ना। और अगर साउथ में चले जाओ वहां पे टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा भी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस के थ्रू। वहां आपको पता चलेगा कि जिस तरह से मैरिज को आप देखते हो, जरूरी नहीं है हर सोसाइटी उसको उसी तरह से देखती है। यही कारण है आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके से मैरिज को डिफाइन किया, पर मैरिज हमेशा से क्या रही है, एक बड़ा ही एक आप कह सकते हो सब्जेक्टिव चीज रही है, जो कि एक एक सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, उस सोसाइटी के कल्चर के अकॉर्डिंगली वो इवॉल्व हुई है। जैसे अब ये वेस्टर्न मॉक ही है, मैंने वीटर मॉक यहाँ पे गलती से टाइपोलॉजिकल टाइपोग्राफिकल एरर है, यहाँ पे इसको काइंडली आप ठीक कर दें, वेस्टर्न मॉक ही है। तो वेस्टर्न मॉक ने क्या बोला था कि जो मैरिज है वो क्या है, वो एक वो इंस्टीट्यूशन है जो रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, और एक यूनियन है किसके बीच में, मैन और वुमेन के बीच में, इस तरह से कि भाई वो दोनों इकट्ठे रहें और जो कपल है उनके बीच में एक म्यूचुअल सेक्सुअल राइट्स हैं जो उन्होंने एक दूसरे को दिए होते हैं, ठीक है। तो वेस्ट मॉक ने किस तरह से डिफाइन किया मैरिज को, उसने बोला मैरिज इज अ रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन सच दैट द स्पाउस लिव टुगेदर एंड द कपल हैव क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड ईच अदर्स म्यूचुअल सेक्सुअल राइट्स। अब तीन बातें इसने कही मिली, एक मैंने क्या बताया रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड, दूसरा मैंने क्या बताया वो इकट्ठे रहते हैं, और तीसरा मैंने क्या बताया एक दूसरे को उन्होंने म्यूचुअल सेक्सुअल राइट्स एक दूसरे को दिए हुए हैं। बट क्या हर जगह ऐसा ही है? देखो नॉर्मली आपको लगेगा हाँ भाई बिल्कुल सही डेफिनेशन है, ऐसा ही तो होता है, हर जगह ऐसा होता है, बट नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप बनारो ट्राइब की बात करो, जो बनारो ट्राइब है वो कहाँ की है, न्यू गयाना की है, या खासी ट्राइब की बात करो या थान ट्राइब की बात करो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो खासी या थान ट्राइब की बात करें, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है उनको रिकॉग्निशन दी हुई है, ठीक है ना, जो भी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनको आपने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया हुआ यहाँ पे, जो आपके खान्स और थान ट्राइब है। जबकि आप बनारो ट्राइब की अगर हम बात करें, तो बनारो ट्राइब में क्या है, वहां पे अगर आप सुनेंगे तो माइट भी आपको अजीब लगे या यू माइट गेट अस्टाउंडेड, क्योंकि बनारो ट्राइब में क्या होता है कि एक जो पर्सन है, जैसे जो हस्बैंड है वो तभी अपनी वाइफ के साथ मतलब बेड शेयर कर सकता है जब उसकी जो वाइफ होती है उसके क्लोजेस्ट किन के साथ क्या करे, एक चाइल्ड बियर करे, ठीक है, क्या कि वो क्लोजेस्ट किन के साथ क्या करे, चाइल्ड बियर करे, ठीक है, या क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ क्या करे, उसके चाइल्ड को फादर करे, तभी जो उसका मतलब जो रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड उसका हस्बैंड होगा वो उसके साथ बेड शेयर कर सकता है। अब आप देखो ये कितना डिफरेंट है, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली आप इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे माइट भी, ठीक है ना, आपको ये बड़ा वियर्ड लगेगा, बट वहां पे जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही है। सिमिलर मैटर में जैसे आपको मैंने बताया कि खासी और जो थान ट्राइब है, ठीक है, यूपी की, वहां पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो सोशली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। अब देखें ये डेफिनेशन जो विडॉक ने दी, यहाँ पे वो काउंटर होगी, यहाँ पे उसकी एक्सेप्शन आ गई, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है मैरिज की, ठीक है ना। सिमिलर मैनर में अगर आप बात करें गिलन एंड गिल की, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैरिज एक वो इंस्टीट्यूशन है जो कि सोशली अप्रूव्ड है, ठीक है, सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट करती है, और साथ ही साथ उसका मेन मोटिव क्या होता है, टू प्रोक्रिएट, ठीक है ना। अब बट अगेन जरूरी नहीं है, अब आज के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कई जगहों पे लोग क्या करते हैं, जो मॉडर्न आउटलुक है, दे गेट मैरिड बट दे डोंट वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड, तो क्या वो मैरिज को आप मैरिज नहीं बोलोगे, ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड अ मैरिज, उसको आप मैरिज ही बोलोगे, बट वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आप देखो प्रोकेस्टिनेशन नहीं हो रही है,
तो देखा जाए ग्लिन एंड ग्लिन की डेफिनेशन को भी आप यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं बोल सकते। अब मिलोंस्की की बात करें अगर हम, तो मिलोंस्की ने क्या बोला, मिलोंस्की ने बोला था कि जो मैरिज है वो क्या है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, किसके क्या कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, कि भाई आपका मेन मोटिव क्या है जो आप अगर आप शादी कर रहे हैं तो मेन मोटिव है कि भाई आप बच्चे पैदा करें और उसकी मेंटेनेंस करें। बट क्या अगेन हर सोसाइटी में इस तरह से ही है, अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें वहां पे ये डेफिनेशन शायद नहीं उस तरह से सर्वाइव कर पाएगी या उस तरह से नहीं देखा जाएगा आपके मैरिज को। अगेन अगर हम नोट एंड क्वेर की बात करें, नोट्स एंड क्वायरीज ऑफ सोशियोलॉजी एक आपका एक कैटलॉग है, वहां की अगर हम बात करें तो उसने कैसे डिफाइन किया, उसने बोला कि मैरिज एक यूनियन है किसके बीच में, मैन और वुमेन के बीच में, इस तरह से कि एक चाइल्ड उसमें से जो पैदा हो रहा है उसको एक लेजिटिमेसी मिल रही है, ही इज नॉट कॉल्ड अ बास्टर्ड, उसको एक लेजिटिमेसी मिल रही है, ठीक है ना, कि भाई ऑब्वियसली बात है अगर एक मैन और एक वुमेन शादी करती है तो बच्चा पैदा होता है उसको सोसाइटी क्या करती है, रिकोगनाइज करती है। बट अगेन क्या ऐसा ही होता है, अब यहां पर इसने क्या किया, इसने स्पेसिफाई कर दिया मैन और वुमेन के बीच में जो शादी हो रही है और एक सिंगल मैन और सिंगल वुमन के बीच में शादी हो रही है, बट क्या ऐसा ही होता है हर जगह, क्या नहीं। अगर हम टोडा ट्राइब की बात करें, खासी ट्राइब की बात करें, वो पॉलीएंड्रस ट्राइब, पॉलीएंड्रस ट्राइब का क्या मतलब हुआ, पॉलीएंड्रस ट्राइब का मतलब ये होता है कि भाई एक जो मेल है उसकी मल्टीपल वाइव्स हैं, पर यहां पे तो वो बात कर रहे हैं क्या कि एक मैन और एक वुमन, तो वहां पे पॉलीएंड्री फॉलो की जाती है। आगे अगर हम गॉन्ड्स की और नागास की बात करें, दे आर पॉलीगैनस, पॉलीगैनस का मतलब क्या हुआ, एक जो वुमन है उसके मल्टीपल हस्बैंड्स हो रहे हैं। तो देखिए आप ये भी डेफिनेशन देखा जाए होली एंड सोली, आप इसको यूनिवर्सल नहीं मान सकते। अगेन क्या मैन और मैन के बीच में शादी नहीं होती, भाई आजकल एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है तो मेल और मैन और मैन के बीच में शादी हो रही है, एक वुमेन और वुमेन के बीच में शादी हो रही है, बट यहां पे क्या किया जा रहा है, उसको डिफाइन किया एक मेल और फीमेल के पर्सन। आई होप आपको आवाज आ रही है, राइट, बीच में कई बार माइक आपका अटक जाता है, तो फिर चेक कर लेते हैं। हेलो, सो अगेन मैं बात कर रहा था आपके, हाँ, कि गोंड्स और नागास की बात करें, वहां पे पॉली आपकी पॉलीगाइनी है, यानी कि एक वुमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी अगेन कि देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरह से उसने डिफाइन किया कि मेल और वुमेन के बीच में, बट ऐसा हर जगह नहीं होगा, आपको आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, मेल मेल के बीच में भी हो रही है, वुमेन वुमेन के बीच में भी हो रही है, ठीक है ना। अब हॉटन एंड हंट ने कैसे बोला, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आई है और वेस्ट मॉक की डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम के अंदर आई हुई है, ठीक है। तो हॉटन एंड हंट ने क्या बोला कि मैरिज इज अप्रूव्ड सोशल पैटर्न वेयर बाय टू और मोर पर्सन एस्टैब्लिश ए फैमिली, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने बात की, इसने और एडवांस डेफिनेशन की बात की, दो या दो से ज्यादा पर्सन, यानी यहाँ पे उसने डिफाइन उसको एक एक आप कह सकते हो मेल और वुमेन के एम्बिट में ही नहीं रखा, यानी उसको उसको एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की उसने, ठीक है ना। देखिए रात के इस टाइम पे 1 बजे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण यही है कि हम सही में चाहते हैं कि आप सब जो हैं उसको आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिले, ताकि एक तो मुश्किल से तो जॉब्स निकलती हैं और अगर निकली है तो आप उसको किसी भी तरीके से क्रैक करें, ठीक है। और बहुत बढ़िया जॉब है यार, इस पर फोकस करें, और माइट भी अभी TSWO की पोस्ट आएंगी, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, सेम सिलेबस है उसमें भी, तो मुझे लगता है कि आपको इसके ऊपर अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी है, तो अब क्या हम कह सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मैरिज की जो डेफिनेशन है क्या वो यूनिवर्सल है, तो भाई आप क्या लिखोगे, आप वहां मार्क करोगे कि डेफिनेशन जो है, देखो जो डेफिनेशन है इट इज नॉट यूनिवर्सल एट ऑल, इट इज नॉट यूनिवर्सल, बट मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन वो यूनिवर्सल है। मैरिज आपको हर जगह दिखेगी, बट जिस तरह की मैरिज आपने एक्सेप्ट की हुई है आपको एग्जैक्ट वैसी है कहीं नहीं मिलेगी, माइट बी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। आप देखो कस्टम्स कितने अलग अलग है मैरिज के, कहीं पे 4 फेरे हो रहे हैं, कहीं पे 7 फेरे हो रहे हैं, इस्लाम में देखो वहाँ पे इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ मैरिज, ठीक है ना। क्रिश्चियनिटी में अब आपका डिफरेंट है कॉन्सेप्ट जो मैरिज का,
तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मैरिज की डेफिनेशन क्या यूनिवर्सल है, तो नहीं भी, मैरिज की डेफिनेशन इज नॉट यूनिवर्सल, बट मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज यूनिवर्सल, ठीक है ना। तो और ये इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग। मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आया। आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, रूल्स ऑफ मैरिज, ठीक है। तो अब रूल्स ऑफ मैरिज की अगर हम बात करें, देखें कि क्या रूल्स हैं शादी के, आपने नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है इसको, ठीक है। अब इसको हमने तीन कैटेगरी में इसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया आपके जो रूल्स ऑफ मैरिज है इसको हमने तीन कैटेगरी में। पहला रूल आता है प्रोहिबिटेड रूल ऑफ मैरिज। ये रूल किसकी बात करता है कि कहां पे प्रोहिबिटेड है मैरिज करना, कि एक मिनट, यस, ठीक है, ओके क्लियर। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि ये वो रूल्स डिफाइन करते हैं कि कहां पे प्रोहिबिटेड है शादी, कि कहां पे आपको शादी नहीं करनी है, ठीक है। ये रूल वो डिफाइन करता है। तो प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड अमंग किन्स, अमंग द क्लोजेस्ट किन्स, ठीक है। और मोस्ट सिग्निफिकेंट उसमें क्या है, इंसेस्ट। देखिए इंसेस्ट क्या होता है, ये टर्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंसेस्ट होता है कि अगर आप सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करें या मैरिज करें बिटवीन क्लोज किन्स यानी ब्लड रिलेटिव, ठीक है ना, उसके बीच में अगर आप देखें, वो आप खुद देखें मैरिज में वो चीज़ अलाउड नहीं होती। मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि अगर सपोज करते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं, ये दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, जब उनकी शादी होती है तो क्या होता है, उससे बच्चे पैदा होते हैं, दे बेयर चाइल्ड। अगर एक मेल है और एक अगेन फीमेल है, यानी ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, तो आप देखें फादर और डॉटर जो है वो शादी नहीं कर सकती, ठीक है ना, वहाँ पे मैरिज नहीं होती। सिमिलर मैनर में जो मदर है और जो सन है इनके बीच में मैरिज नहीं होती, इसको इंसेस्ट बोलेंगे। जो ब्रदर और सिस्टर हैं इनके बीच में मैरिज नहीं होती, इसको इंसेस्ट बोलेंगे। तो क्लोज रिलेटिव में आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ऑल्दो अगर क्रॉस कजन है या पैरेलल कजन है, जैसे मुस्लिम्स हैं या कुछ और ट्राइब्स हैं, वहां पे क्रॉस कजन और पैरेलल कजन में शादी हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तभी आप देखिए इसको क्या माना जाता है, इसको एक टैबू माना जाता है, ठीक है ना। दिस इंसेस्ट इज कंसिडर्ड एज टैबू। टैबू मतलब क्या है, जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। बट एट द सेम टाइम द डिग्री एंड नेचर ऑफ क्लोज किन्स वो वेरी करती है सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मुस्लिम्स में देखें, वहां पे कजन्स में शादी हो रही है, बट वहां पे भी क्या हो रहा है, मतलब ब्लड रिलेटिव्स में शादी नहीं होती, ठीक है ना। तो नेचर डिग्री वेरी कर सकती है, ठीक है ना, सोसाइटी टू सोसाइटी। बट अगर हम इसमें एक्सेप्शन देखें, तो अगर हम देखें कि जो रॉयल फैमिलीज थी पुराने जमाने, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इट इज एक यूनिवर्सली आप इंसेस्ट को फॉलो नहीं करते। इसके इसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं है कि इसको आप क्योंकि हम नहीं करते तो नहीं करते, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या है कि इंसेस्ट से क्या होता है, इनब्रीडिंग होती है। क्या होती है, इनब्रीडिंग, जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि भाई अगर इंसेस्ट होता है तो जो चाइल्ड बॉर्न होता है उससे उसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो उसका माइंड उस लेवल पे नहीं डेवलप होता, जेनेटिकली वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा और उसके अंदर कोई ना कोई कमी रहेगी। यही कारण है कि सोसाइटी ने एक एंशियंट टाइम से ही किया है, इंसेस्ट जो है वो काइंड ऑफ एक टैबू माना जाता है और वो नहीं किया जाता, ठीक है। बट अगेन अगर आप इजिप्ट में देखेंगे तो जो क्लियोपेट्रा थी, ठीक है, आपने नाम जरूर सुना होगा क्लियोपेट्रा का, तो जो रॉयल फैमिलीज थी इजिप्ट की, तो वहां पे क्या था, दे यूज टू कंसिडर देमसेल्फ एज फेरोज, ठीक है ना, दे यूज टू कंसिडर देमसेल्फ एज फेरोज। फेरोज का मतलब क्या हुआ कि डिसेंडेंट ऑफ गॉड, वो अपने को गॉड लाइक समझते थे, तो क्योंकि वो किसी और से शादी करते नहीं थे, ठीक है ना। तो क्लियोपेट्रा ने अपने दो छोटे भाइयों से शादी की थी अपने डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में, तो ये एक एग्जांपल आपको देखने को मिलती है यहाँ पे इंसेस्ट की भी, ठीक है ना। तो
मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रोहिबिटेड रूल्स में ये बताया कि कहाँ पे शादी नहीं करनी, उसमें आपको ध्यान के रखना है इंसेस्ट, इंसेस्ट क्या होता है और वो, बट एट द सेम टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी डिग्री वेरी करती है, ठीक है। दूसरा आता है प्रिस्क्रिप्टिव रूल ऑफ मैरिज, ठीक है, जो कि निधम ने इसको डिफाइन किया है, धीम में इसको डिफाइन किया गया, प्रिस्क्रिप्टिव रूल ऑफ मैरिज, कि कहाँ प्रिस्क्राइब किया गया है, कहाँ आप शादी कर सकते हो। तो जो प्रिस्क्रिप्टिव कैटेगरी है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक्सोगैमी और एंडोगैमी। देखो एक्सोगैमी क्या होती है, अब एक्सोगैमी क्या होती है, जब व्हेन यू सीक द पार्टनर आउटसाइड योर ओन ग्रुप, आप अपने ओन कैटेगरी, अपने कास्ट से आप उसके बाहर आप शादी करना पसंद करते हो, अपने विलेज से बाहर शादी करते हो, आप अपने गोत्र के बाहर शादी करते हो, अपने लिनिएज के बाहर शादी करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोगैमी। यानी एक जो पर्सन है वो पर्सन है वो अपने कबीले को छोड़ रखे दूसरे कबीले की लड़की से क्या कर रहा है, शादी कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोगैमी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ आपको। अब आप देखें कि एक्सोगैमी जो है ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मतलब क्या हुआ, अब देखें अगर हम एक्सोगैमी में देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है एक्सोगैमी की, जैसे कि विलेज एक्सोगैमी, ठीक है, विलेज एक्सोगैमी। विलेज एक्सोगैमी क्या है कि जो सेम विलेज, आपने देखा भी होगा अपने आगे पीछे कि सेम गांव के लोग आपस में शादी नहीं करते, क्यों, क्योंकि दे कंसीडर देमसेल्व्स ब्रदर एंड सिस्टर, उनको लगता है वो कॉमन डिसेंडेंट के वंशज है, तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, वो शादी नहीं करना पसंद करते। सेकंडली दे वॉन्ट टू एनलार्ज देयर किन ग्रुप, किन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव, आपका आपका रिश्तेदार, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, किन बोलेंगे, ठीक है, अपने किन ग्रुप को वो एनलार्ज करना चाहते हैं, इसलिए भी वो बाहर शादी करते हैं। अगेन गोत्र का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, गोत्र एक्सोगैमी, कि दो शख्स जो सेम गोत्र के हैं, यानी कि उनका कॉमन कोई दादा परदादा, कोई लक्कड़ दादा, कोई कॉमन वगैरह रहा होगा, ठीक है, तो भाई वहां पर शादी नहीं होती। आप अभी आप अपने लेवल में भी देखें कि जब आप शादी करते हैं या आप शादी करने जाएंगे तो वहां पर पूछा जाएगा कि कॉमन गोत्र तो नहीं है, कहीं सेम गोत्र तो नहीं है, तो ये क्या है, दिस इज एक्सोगैमी, ये भी एक अपने आप में एक्सोगैमी है, जिसमें क्या होता है कि दो पर्सन को वही ब्रदर एंड सिस्टर माना जाता है। आप देखिए जो खाप पंचायत है हरियाणा की, वहां पे क्या होता है, अगर कोई सेम गांव के लोग शादी करते हैं तो खाप पंचायत फरमान निकाल देता है, भाई उनको बाहर निकाल दो, या अगर सेम गोत्र के बंदे शादी करते हैं तो खाप पंचायत कोई डिसीजन ले लेगा उनके लिए, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। देन मोइतीज की बात करें, मोइती एक्सोगैमी आपको कई ट्राइब्स में देखने को मिलती है। मोइती क्या होता है, एक अगर ट्राइब है, जैसे कि हम इसी की एग्जांपल लेते हैं, कोरकुआज ट्राइब जो है एमपी की, ये सब डिवाइडेड है किसके अंदर, दो ग्रुप्स के अंदर, जैसे कि राज और पिलारी, दो में डिवाइडेड है। अब जो राज है वो पिलारी में शादी करना पसंद करेंगे, पिलारी जो है वो राज कैटेगरी में शादी करना पसंद करेंगे। ये दोनों जो होंगे ये एक आपस में अपने अंदर, मतलब राज विद इन राज नहीं शादी करेंगे, पिलारी विद इन पिलारी शादी नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ ही शादी करना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं क्या मोइत्री एक्सोगैमी में क्या होता है, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा इस चीज को, मेरे कहने का मतलब यह था कि मोइत्री क्या होता है, पहले तो मोइत्री क्या होता है, मोइत्री क्या होता है, अगर एक ट्राइब को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसको बोलेंगे मोइत्री। अब वो जो मोइत्री होगी वो क्या करेंगे, अपने अंदर विद इन सेम मोइत्री वो क्या करेंगे, शादी नहीं करेंगे, ठीक है ना, इतना क्लियर है। मतलब जो मैत्रीज होंगे, जो आपके सबसेट्स होंगे एक ट्राइब के, वो आपस में शादी नहीं करना पसंद करेंगे, बाहर मैत्री में अपने शादी करेंगे, या बाहर किसी और कैटेगरी में या किसी और ट्राइब में शादी करना पसंद करेंगे, ठीक है। अगेन देन देयर इज क्लैन एक्सोगैमी। व्हाट इज क्लैन एक्सोगैमी, क्लैन एक्सोगैमी क्या हुआ कि भाई सेम क्लैन में शादी नहीं करेंगे, जैसे संथाल, गोंड, भील्स हैं, ये एक मतलब एक कॉमन क्लैन में होंगे तो ये शादी आपस में करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना, संथाल संथाल में नहीं करेंगे, गोंड्स गोंड्स में नहीं करेंगे, मुंडाज मुंडाज में नहीं करेंगे। देन देयर इज लाइनेज एक्सोगैमी, कि अगर सेम लाइनेज है, आपकी सेम डिसेंडेंट चल रहे हैं, उसमें भी शादी करना अलाउड नहीं है। देन देयर इज पारवारा एक्सोगैमी, यू नो व्हाट इज पारवारा एक्सोगैमी, कि भाई वो शख्स जिनके जिन्होंने कॉमन सेंट का नाम धारण किया हुआ है, जैसे अगर आपके कुलगुरु सेम है, आपके गुरु जो है वो सेम है, ठीक है ना, होते हैं ना आपके गुरु होते हैं जो सेंट होते हैं, तो कॉमन आपने अगर नाम लिया हुआ है तो वो लोग आपस में शादी नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पारवारा एक्सोगैमी। देन देयर इज स्पिंदा एक्सोगैमी। व्हाट इज स्पिंदा एक्सोगैमी, देखो ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फॉलो की जाती है, जहां पे शादी नहीं होती उन लोगों के बीच में जिनके रिलेटिव 7 जनरेशन तक, मतलब फादर साइड से रिलेशन है और 5 जनरेशन तक मदर साइड से है, वहां पे भी शादी नहीं होती। मतलब सपोज करते हैं आपके परदादा के परदादा के परदादा, सपोज करते हैं 7 जनरेशन ओल्ड जो है, उसकी जो एक फैमिली ट्री है उसमें शादी नहीं होगी, उसके आगे जनरेशन चली जाएगी तो माइट भी शादी हो सकती है, बट उससे उस मतलब 7 जनरेशन के अंदर शादी नहीं होगी।
अगेन देन देर इज जो मदर साइड की अगर हम बात करें तो वहां 5 जनरेशन आ जाती है आपकी, मतलब 5 जनरेशन तक आप शादी नहीं कर सकती। मोस्टली ये नॉर्थ इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप एक्सोगैमी जो है वो क्लियर हो गया आपको। देन देर इज एंडोगैमी। एंडोगैमी क्या हुआ भाई, नाम से पता चल गया क्या, विद इन आप क्या कर रहे हो, विद इन आप कास्ट शादी कर रहे हो, एक कास्ट के अंदर शादी कर रहे हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है आपस में आप शादी कर रहे हो, यहां क्या हो रहा है विद इन एक कास्ट आप शादी कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे आपका एंडोगैमी। तो एंडोगैमी की एक सबसे पहले आया था कास्ट एंडोगैमी, आपको देखने को मिलता है कि एक फीचर है हिंदू सोसाइटी का जो कि प्योरिटी ऑफ ब्लड लाइन को मेंटेन करने के लिए लोग करते हैं, कि अब तो इतना होता नहीं है बट पहले की बात करें तो ब्राह्मण जो है ब्राह्मण में शादी करेगा, राजपूत राजपूत में शादी करना पसंद करता है, आपका कोई एबीसी कास्ट का कोई पर्सन है वो एबीसी कास्ट के अंदर शादी करना पसंद करता है, आपको आज भी देखने को मिलता है ये सब चीजें। साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी में तो है ही है, ईस्टर्न ईस्ट अफ्रीका में भी अगर आपको आप देखेंगे वहां पे भी आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलता है, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स जो हैं वो विद इन ही शादी करना पसंद करेंगी। जैसे जैसे कि आपका जो ईस्ट अफ्रीका है वहां पे मसाई एक ट्राइब है, वहां पे क्या हो रहा है वो विद इन शादी करना पसंद करते हैं, या तुस्ती एक कास्ट है वो अपने अंदर ही रवांडा की कास्ट है वो विद इन तुस्ती ही शादी करना पसंद करते हैं। ठीक है, सिमिलर मैनर में ट्राइबल एंडोगैमी, मोस्टली जो ट्राइबल होते हैं वो क्या होते हैं एंडोगैमस होते हैं, मतलब वो विद इन ट्राइब ही शादी करना पसंद करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ट्राइब का मेन एक फीचर दिखाया तो वो एंडोगैमस है, नॉट दे आर नॉट एक्सोगैमस। ठीक है, वो अपने ट्राइब की प्योरिटी को मेंटेन करने में फोकस करते हैं। देन देयर इज मैत्री एंडोगैमी, जिसमें क्या होता है सेम मैत्री के अंदर शादी करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको राज जो है वो राज में शादी करेंगे, जो पिला रहे हैं वो पिलारी में शादी करेंगे। देन देयर इज क्लास एंडोगैमी, क्लास में क्या है कि अमीर अमीर से शादी करेगा, गरीब गरीब से शादी करेगा करना पसंद करता है, अपने सोशल लेवल पे वो शादी करना पसंद करते हैं, यूरोप और मतलब डेवलप नेशंस में आपको ये देखने को मिलता है। कई विलेज हैं वो क्या करते हैं साउथ इंडिया के, वो विद इन उसी विलेज में शादी करना पसंद करते हैं रादर देन गोइंग आउट। देन देयर इज एथनिक एंडोगैमी, ये मॉन्टेग ने कॉइन की थी टर्म, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो सेम एथनिक ग्रुप से शादी करना पसंद करते हो। जैसे आपको पता है एथनिसिटी है, जैसे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें हम इंडो द्रविडियन एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, आई मीन इंडो आर्यन एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, आप साउथ इंडिया में चले जाओ वो द्रविडियन एथनिसिटी है, आप अपने अफ्रीका वाली साइड चले जाओ वहाँ नेग्राइड एथनिसिटी है, मतलब रेस जिसको बोलते हैं, बाद में जाके उसका हम एथनिक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे ज्यादा। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वो विद एक ही एथनिसिटी में शादी करना पसंद करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे एंडोगैमी। देन देयर इज डेमी एंडोगैमी, व्हाट इज डेमी एंडोगैमी, कि जो डेमी देखे जो वर्ड है इट इज एन अरेबिक वर्ड जिसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर किन ग्रुप। तो जब एक मैरिज जो होती है वो एक पर्टिकुलर किन ग्रुप में होती है उसको हम क्या बोलेंगे डेमी एंडोगैमी। जैसे कि पैरेलल कजन मैरिज, कि भाई आपको शादी करनी है तो फादर वाली साइड के कजन पे कर सकते हो बट मदर वाली साइड के कजन पे नहीं कर सकते, तो वहां पे डिफाइन हो जाता है एक पर्टिकुलर किन ग्रुप से ही आप शादी कर सकते हो, हर एक किन ग्रुप से आप शादी नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे डेमी एंडोगैमी। ठीक है, देन थर्ड वन इज, हम देखिए हम रूल पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, रूल क्या है मैरिज के, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोहिबिटेड, कहाँ प्रोहिबिटेड है, फिर मैंने आपको बताया प्रिस्क्रिप्टिव, कहाँ प्रिस्क्राइब की गई है, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेफरेंशियल, कि कहाँ पे प्रेफरेबली लोग शादी करना पसंद करते हैं। तो ये भी टर्मिनोलॉजी निधिम में ही आपको देखने को मिलती है, जहां पे आपको देखने को मिलता है कि कुछ सर्टन ग्रुप्स हैं वो किस तरह से शादी करती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कजन्स, अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखो अब देखिए पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि कजन आप किसको बोलते हो। ठीक है ना, देखो कजन आप किसको बोलते हो, कजन कौन होता है, कजन वो शख्स होता है जो ऑफस्प्रिंग होता है ऑफ योर सिबलिंग। ठीक है ना, ठीक है, जो सिबलिंग के ऑफस्प्रिंग होते हैं, यानी दो भाई हैं उनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे आपस में क्या है देखो वो कजन है आपस के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कजिन बोलेंगे। अब अगर आगे हम बात करें कि जो अब जो कजिन होते हैं, अब इसको भी हमने क्या किया है दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक क्या आ जाता है पैरेलल कजिन, दूसरे क्या आ जाते हैं हमारे क्रॉस कजिन आ जाते हैं। नो व्हाट इज पैरेलल कजिन एंड व्हाट इज क्रॉस कजिन, अब देखो जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको पैरेलल कजिन,
क्या बताया, पैरेलल कजन, और मैंने क्या बताया आपके, क्रॉस कजन होते हैं, ठीक है। अब पैरेलल कजन हम किसको बोलते हैं, ठीक है। अब पैरेलल कजन क्या हुआ, मतलब अगर मैं आपको एक बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो पैरेलल कजन क्या होते हैं, पैरेलल कजन वो होते हैं, दे आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ सिबलिंग ऑफ ऑपोजिट सेक्स, वो क्या हो गया क्रॉस कजन, और ऑफस्प्रिंग ऑफ सिबलिंग ऑफ सेम सेक्स दे आर कॉल्ड एज क्रॉस कजन। अब इसको मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। देखो इसे, तो मैंने क्या बताया आपके, पैरेलल कजन, ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, क्रॉस कजन। अब पैरेलल कजन क्या हुआ, ये पैरेलल कजन मैरिज क्या हुई, अगर मदर की सिस्टर की बेटी जो है और मदर का जो आपका बेटा, मतलब जो एक फर्स्ट पर्सन है, तो मदर की सिस्टर की बेटी के साथ अगर आपकी शादी हो रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कजन मैरिज। यानी कि क्या हो रहा है, सेम सेम सेक्स, ये भी क्या है फीमेल, ये भी क्या है फीमेल, सेम सेक्स के जो सिबलिंग्स हैं उनके बच्चों में अगर शादी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका पैरेलल कजन। क्या बोलेंगे, पैरेलल कजन मैरिज। सिमिलर मैनर में क्रॉस कजन मैरिज क्या होगी, क्रॉस कजन मैरिज होगी कि भाई अगर आपके फादर के सिस्टर की डॉटर और सन में अगर शादी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस कजिन मैरिज। उम्मीद है आपको समझ आया। यहां पे क्या हो रहा है, ये मेल है और ये क्या फीमेल है, यानी कि पैरेलल कजन मैरिज क्या हो गई, अगर आपका सेम जो आपके जो मतलब आपके सिबलिंग्स हैं उनका सेक्स सेम है और उनके बच्चों में क्या हो रही है, शादी हो रही है, ठीक है। और क्रॉस कजन क्या हो गया, अगर उनका सेक्स जो है वो डिफरेंट है, उनके बच्चों में शादी हो तो उसको बोलेंगे क्रॉस कजन मैरिज। आई होप क्लियर है। देखो दोबारा समझो, पैरेलल कजन क्या हुआ, पैरेलल कजन क्या हुआ, आपकी मासी की लड़की जो होगी वो क्या है, पैरेलल कजन। क्लियर, ठीक है। क्या बताया मैंने कि आपकी मदर की सिस्टर क्या हुई, आपकी मासी, उसकी जो लड़की है वो आपकी क्या हुई, वो होगी आपकी पैरेलल कजन, ठीक है। और आपके पापा की सिस्टर की यानी आपकी बुआ की लड़की जो है वो आपकी क्या हुई, क्रॉस कजन। तो याद रखना बुआ, और यहां पे आप क्या याद रख लेना, मासी। सीधी सीधी बात, बुआ की लड़की क्या होगी, क्रॉस कजन, और मासी की लड़की क्या हुई, वो आपकी हुई पैरेलल कजन। अब अगर मासी की लड़की के साथ शादी हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कजन मैरिज, ठीक है। और अगर बुआ की लड़की के साथ शादी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस कजन कजन मैरिज। आई होप इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगर हम पैरेलल कजन की बात करें, अब मैंने आपको बताया पैरेलल कजन है तो उसमें क्या होता है, एक होगा पैट्रिलिनियन पैरेलल कजन, एक होगा मैट्रिलिनियन पैरेलल कजन, ठीक है ना। सिमिलर मैनर में एक होगा पैट्रिलिनियन क्रॉस कजन, एक होगा मैट्रिलिनियन क्रॉस कजन, इसको समझते हैं। अब अगर हम बात करें पैरेलल कजन, ठीक है, तो पैरेलल कजन में एक मैंने क्या बताया, पैट्री लेटरल पैरेलल कजन मैरिज, एक मैंने क्या बताया, मैट्री लेटरल पैरेलल कजन मैरिज, ठीक है। अब पैट्री लेटरल पैरेलल कजन मैरिज क्या हुआ कि ये एक मेल है, ये फीमेल, इनके हुए बच्चे, ठीक है, मेल और मेल, ठीक है, दो बेटे हुए, इसकी शादी, इसकी शादी, ठीक है, एक हुआ मेल, इधर हुआ फीमेल, इनके बीच में अगर शादी होती है, मतलब दोनों के हैं भाई है ना, दोनों के हैं फादर साइड से है ना, दोनों फादर साइड फिगर हैं, ठीक है, एक का बेटा हुआ दूसरे की बेटी हुई, इनके बीच में शादी होगी उसको क्या बोलेंगे, पैट्रिलेटरल पैरेलल कजन मैरिज। मैंने क्या बताया पैरेलल कजन क्या हुआ, याद करो दोबारा, भी मैंने आपको क्या समझाया था, पैरेलल कजन क्या हुआ,
सेम, जहां पे सेम सेक्स है, आपका सेम सेक्स है, वहां पे मैंने एग्जांपल किसकी दी थी, आपकी मासी की, ठीक है ना। साथ ही में कौन आ जाएगा, आपका चाचा भी तो आएगा ना उसके अंदर, क्या हो रहा है, वो सेम है ना, आपका दोनों क्या है, मेल है ना, यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, फीमेल है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरेलल कजिन मैरिज में क्या आ जाएगा, अगर आपके चाचे के बेटे के साथ हो रही है, ठीक है। सिमिलरली मैट्रिलेटरल पैरेलल कजिन मैरिज क्या हुआ, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, क्या हुआ, दोनों की हुई लड़कियां, ठीक है, होगी शादी, यहां हुआ लड़का यहां हुई लड़की, इनके बीच में शादी हुई, तो यहां पे क्या, मां वाली साइड से है ना, दोनों सिस्टर्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिलेटरल पैरेलल कजन मैरिज। आई होप आपको समझ आया, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर आराम से समझो, आराम से समझ आ जाएगा। पहला तो पॉइंट ये आ गया पैरेलल कजन, क्या मैंने बताया, सेम सेक्स, वो कजन जो सेम सेक्स के आ गए, ठीक है। इसमें क्या आ गया, जैसे आपके मैंने एग्जांपल देके आपको बताया क्या, इसमें जैसे आपकी मदर जो है और उसकी सिस्टर, आपके फादर जो है और उसके ब्रदर, ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, आपके पैरेलल कजन में। तो पैट्रिलेटरल पैरेलल कजन मैरिज क्या हुई, आपका देखो दो बेटे हुए, दोनों बेटे एक का लड़का एक की लड़की, ये आपस में क्या हुए, पैरेलल कजन हुए, ठीक है, इनके बीच में शादी हो रही है तो क्या, आपकी पैट्रिलेटरल पैरेलल कजन मैरिज, ठीक है। सिमिलर वे में मैरिज आपका क्या हुआ, दो लड़कियां हुई दोनों के आपस में, ये क्या है, एक शख्स की क्या है, ये मासी, मासी की बेटी के साथ, यहां पे क्या है, उस शख्स का क्या है, चाचा, तो यहां पे क्या आ गया, ठीक है ना, चाचे वाली साइड का, यहां पे क्या आ गया, मासी वाली साइड का, क्लियर हो गया, आई होप इतना क्लियर है। इसको एक बार दोबारा देखना, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। देन देयर इज क्या, आपका क्रॉस कजिन मैरिज, क्रॉस कजन मैरिज, क्रॉस कजन मैंने क्या बताया, ऑपोजिट सेक्स होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना, ऑपोजिट सेक्स के होंगे। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल देके आपको बता दिया, पहले तो वही आ गया इसके अंदर भी, इसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन, पैट्रिलेटरल क्रॉस कजन, ठीक है ना, पहले तो यही पॉइंट हम पढ़ेंगे, पैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिज, मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। पैट्रिलेटरल में क्या बताया मैंने, एक पर्सन शादी, क्या हुआ, दो बच्चे हुए, एक मेल एक फीमेल, इसकी भी शादी इसकी भी शादी, लड़का लड़की, ये आपस में क्या है, दोनों ये आपस में है क्रॉस कजन, क्यों, दोनों के क्या हैं, ऑपोजिट सेक्स। तो यहां पे अगर शादी होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखा जाए तो आपकी बुआ की बेटी, ठीक है ना। सिमिलर मैनर में मैट्रिलेटरल में क्या आ जाएगा, पर्सन मैरिज, अगेन ये बेटी, ये शादी, यहाँ पे लड़का, यहाँ पे लड़की, यहाँ पे लड़का, यहाँ पे शादी हो रही है तो किससे हो रही है, मामा के लड़के के साथ या मामा की लड़की के साथ। तो मामा का बुआ का लड़की क्रॉस कजन, मामा का लड़का क्रॉस कजन। तो यहाँ पे जो जो मैरिज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिज या मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिज, ठीक है। अब अगेन इसके अंदर भी होती है एक चीज और होती है इसके अंदर, क्या, एसिमेट्रिक क्रॉस कजन मैरिज। अब एसिमेट्रिक क्रॉस कजन मैरिज क्या होती है कि व्हेन यू सीक मैरिज अमंग क्रॉस कजन फ्रॉम वन साइड, जब आप एक साइड से ही शादी करोगे, यानी या तो आप फादर वाली साइड पे शादी करोगे या आप मदर वाली साइड पे शादी करोगे, बोथ पे आप शादी नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक क्रॉस कजन मैरिज। मतलब क्या है, इस सोसाइटी के अंदर क्या होगा या इस मैरिज कॉन्सेप्ट में क्या होगा, डिफाइंड होगा कि भाई आपने फादर वाली साइड पे ही शादी कर सकते हो, मदर वाली साइड पे शादी कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। सिमिलर मैनर में क्या होता है आपका, सिमेट्रिक क्रॉस कजन मैरिज।
इसके अंदर क्या होगा, आप यू आर अलाउड कि आप बोथ साइड पे क्या कर सकते हो, शादी कर सकते हो। एसिमेट्रिक में क्या है, आप एक साइड पे ही शादी कर सकते हो, ठीक है ना। जबकि सिमेट्रिक में क्या है, आप दोनों साइड पे क्या कर सकते हो, शादी आपको अलाउड है, आप दोनों शादी कर सकते हो। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है आगे चलते हैं। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, इसी के अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेवीरेट एंड सोरोरेट। अब लेवीरेट क्या होता है, देखो लेवीरेट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कई जगहों पे आपको देखने को मिला होगा, जहां पे क्या होता है कि जो ब्रदर है, ही सपोज करते हैं एक ब्रदर है, उसकी शादी हुई है, ये उसका दूसरा भाई है, ठीक है। तो होता क्या है, इस ब्रदर की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, जो ये पर्सन होगा, ही इज बाउंड टू मैरी द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है ना। ही इज ऑब्लिगेटेड टू मैरी द विडो ऑफ द डिसीज्ड ब्रदर। उसको हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इस ब्रदर को हम क्या बोलेंगे, लेवीरेट। इस तरह की शादी को हम क्या बोलेंगे, लेवीरेट मैरिज, ठीक है ना। अब अगर रियल ब्रदर अवेलेबल नहीं है तो दैट गर्ल हैज टू मैरी द क्लोजेस्ट किन, जो भी क्लोजेस्ट चाचा मामा वगैरह जो भी एबीसी पर्सन होगा उसको आप शादी करोगे। अब इसमें क्या होता है, देखो माइट भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े अजीब से लग रहे होंगे, आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सोसाइटी में ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा। देखो हमेशा ध्यान रखिए, मैं और आप एक पर्टिकुलर एक इकोलॉजिकल सिस्टम के बाई प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं है जो हमें सही लगता है हर जगह पे वही सही है। तो आपको एक ओपन माइंड रखना चाहिए, और इन टॉपिक से आपके अंदर वो ओपन माइंडनेस आती है, आपको पता चलता है कि दुनिया में तो बहुत कुछ अलग हो रहा है। तो जो हम जिस तरह से सोच रहे हैं सोसाइटी के बारे में, हम जिस तरीके से सोच रहे हैं लाइफ के बारे में, जरूरी नहीं है वही सही है। बोलते हैं टू ईच हिज ओन, हर बंदे के लिए अपना अपना तरीका है, हर सोसाइटी के लिए अपना तरीका है, वो अपने अकॉर्डिंगली इवॉल्व हुई हुई है, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, दो तरह के लेवीरेट होते हैं, जूनियर लेवीरेट, सीनियर लेवीरेट। अगर तो छोटे भाई से शादी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जूनियर लेवीरेट। अगर तो बड़े भाई से हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीनियर लेवीरेट, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। देन सिमिलर मैनर में क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट आता है सोरोरेट का, जिसके अंदर क्या होता है कि गर्ल को मैरी करना पड़ता है द हस्बैंड ऑफ हर डिसीज्ड सिस्टर, मतलब एक हुआ क्या, एक दो बहनें हुई एक मैरिज के थ्रू, ठीक, एक बहन की शादी हो गई। अब क्या हुआ, ये जो बहन है इसकी डेथ होगी, कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया, ठीक है। तो ये जो सिस्टर है इसको मैंडेटरी हो जाएगा कि भाई उसको किससे, जहां पे भी ये कॉन्सेप्ट होगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने बहन के हस्बैंड से शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, आपका सोरोरेट, ठीक है। अब ये भी दो टाइप का होता है, क्या एक होता है रिस्ट्रिक्टेड सोरोरेट, एक होता है अनरिस्ट्रिक्टेड सोरोरेट। अब रिस्ट्रिक्टेड सोरोरेट की अगर हम बात करें, व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड सोरोरेट, रिस्ट्रिक्टेड सोरोरेट क्या होता है, जहां पे जो मैन है वो किससे मैरी, वो मैन मैरिज हिज सिस्टर इन लॉ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्टेड में क्या है कि भाई उसको अपनी जो भी मतलब सिस्टर होगी, अपनी वाइफ की जो सिस्टर होगी उससे शादी करनी होगी, ठीक है। और नॉन रिस्ट्रिक्टेड में क्या होगा कि देखो ध्यान से समझना इसको, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है। देखो इधर पहले मैं बता रहा हूँ रिस्ट्रिक्टेड क्या, रिस्ट्रिक्टेड में क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड में क्या है, एक पर्सन है, उसकी वाइफ है, उसकी सिस्टर है। अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो ये पर्सन किससे शादी करेगा, अपने सिस्टर इन लॉ से शादी करेगा, इसको क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्टेड सोरोरेट। अनरिस्ट्रिक्टेड सोरोरेट में क्या होगा, एक पर्सन है, ये उसकी वाइफ है, ये उसकी सिस्टर है, ये पर्सन किससे शादी करेगा, आप अपने सिस्टर इन लॉ से शादी करेगा, इवन इफ उसकी वाइफ अलाइव है। यहां पे क्या है, उसकी वाइफ शी इज अलाइव, यहां पे क्या हो रहा है, वो उसकी डेथ हो गई है। तो रिस्ट्रिक्टेड के अंदर क्या हो रहा है कि भाई उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो वो अपने सिस्टर इन लॉ से शादी कर रहा है। अनरिस्ट्रिक्टेड में क्या हो रहा है कि इवन इफ उसकी वाइफ अलाइव है उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, अपने सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के साथ शादी कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्टेड सोरोरेट। देखो ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन आपके एग्जाम के अंदर आ जाएगी आपको, ठीक है। देन देयर इज ए जोकिंग सोरोरेट रिलेशन, जो को आपको आपको देखने को मिलता है,
देखो जोकिंग सॉर्वेट में आपको देखने को मिलता है कि जिस तरह से एक एक आप कह सकते हो एक जोकिंग रिलेशन आप देखो आपको देखने को मिलता है, या आपको अपने आगे पीछे अपने कुछ रिलेशंस में एक आप कह सकते हो एक पिकुलियर रिलेशन देखने को मिलता है, जैसे कि देवर और भाभी का मजाक मस्ती चलती रहती है, जीजा और साली का यहाँ पे क्या है आप देखोगे एक मजाक मस्ती चलती रहती है। ऐसा क्यों है? यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि इट रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविरेट एंड सॉरोरेट। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविरेट एंड सॉरोरेट कि भाई इन केस कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो भाई रिलेशन इतना ज्यादा सीरियस मतलब इस तरह से ना डेवलप हुआ हो कि ये आपस में कंफर्टेबल ना हो पाए। ठीक है, इसी तरह से आप देखो सिमिलर मैनर में जो जीजा साला है वहां पे भी हंसी मजाक चलता रहता है, और जो आपकी देवर भाभी उसमें भी हंसी मजाक चलता रहता है। ये एक किस्म से रिफ्लेक्शन देता है कि भाई ये चीज एग्जिस्ट करती रही है सोसाइटी के अंदर, तभी ये जोकिंग रिलेशन आपको देखने को मिलता है। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया। देन हमारा अगला टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ मैरिज। देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं मैरिज की, जैसे कि सबसे पहले आपकी आ जाती है मोनोगैमी और पॉलीगैमी। ठीक है, अब मोनोगैमी क्या होता है? मोनोगैमी होता है जब एक आपका एक सिंगल स्पाउस होता है, आप है और आपका एक सिंगल स्पाउस है, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोगैमी। ठीक है, अब अगर एक पर्टिकुलर अब नेक्स्ट आता है क्या नॉन, अब इसके दो टाइप है, नॉन सीरियस सीरियल मोनोगैमी और सीरियल मोनोगैमी। अब नॉन सीरियल मोनोगैमी क्या होता है? ये होता है कि इफ अ पर्सन हैज ओनली वन स्पाउस थ्रू आउट हिज लाइफ देन इट इज नोन एज नॉन सीरियस मोनोगैमी। मतलब पूरी उम्र आपका एक ही साथी रहा, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन सीरियस, नॉन सीरियल, नॉट सीरियस, नॉट सीरियल मोनोगैमी। जबकि सीरियल मोनोगैमी क्या होगा कि इसका भी एक सिंगल स्पाउस रहा बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में। ठीक है, मतलब एट ए टाइम एक ही है बट अलग अलग है। मतलब सपोज करते हैं कि एक पहले उसने शादी की तो सपोज करते हैं उसकी डेथ हो गई तो फिर उसने दूसरी शादी की, एट ए टाइम तो वन ही है ना, एक ही रिलेशन है ना उसका, एट ए टाइम तो वो मोनोगैमस ही है ना। इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सीरियल मोनोगैमी। पॉइंट क्लियर हुआ? देखो नॉन सीरियल मोनोगैमी में क्या है, आपका एक ही थ्रू आउट लाइफ आपका क्या है, क्या देता हूं, क्या बताया मैंने? थ्रू आउट लाइफ एक ही पार्टनर है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे भी सिंगल पार्टनर है, ठीक है, एक सिंगल स्पाउस ही है बट एक पर्टिकुलर टाइम पे सिंगल स्पाउस है। मतलब मल्टीपल स्पाउस है बट एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही स्पाउस है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सीरियल आपका मोनोगैमी। ठीक है, इसमें वही आ गया कि इफ ए पर्सन हैज मल्टीपल स्पाउस इन सक्सेशन बट कीपिंग अ सिंगल स्पाउस एट ए टाइम इज नोन एज सीरियल मोनोगैमी। आई होप इतना क्लियर है। देन देयर इज पॉलीगाइनी। अब पॉलीगाइनी का क्या है? इसमें क्या हो रहा है, एक पर्सन की मल्टीपल वाइव्स होंगी। ठीक है, अब पॉलीगाइनी गाइनी क्या होता है? एक पर्सन है उसकी क्या है? मल्टीपल वाइव्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी। ठीक है, अब अगर उसकी जो ये मल्टीपल वाइव्स हैं ये आपस में सिस्टर्स हैं तो उस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सोरोरल पॉलीगैमी। और अगर एक पर्सन की मल्टीपल वाइव्स हैं बट वो आपस में नॉट रिलेटेड है। देखो मैंने डेफिनेशन नहीं जानबूझ के लिखी है, वो बुकिश सिस्टम है, वो आप कहीं पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूँ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। आपको वहां पे चार ऑप्शन आने हैं, आपको बस पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या होती है। तो मैंने क्या बताया? सरल पॉलीजेनी क्या हुआ? आपस में सिस्टर्स हैं। नॉन सरल पॉलीजेनी क्या हुआ? दे आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, देन देर इज पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री क्या है कि भाई एक वुमन है उसके क्या है मल्टीपल क्या है पार्टनर। अब अगर ये आपस में ब्रदर्स हैं, कजन्स हैं, तो उसको बोलेंगे फ्रेटरनल पॉलीएंड्री। अगर वो आपस में रिलेटेड नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन फ्रेटरनल पॉलीएंड्री। ठीक है, और अगर एक और होता है फैमिलियल पॉलीएंड्री। इसके अंदर क्या होता है कि जो फादर है और जो सन है
इन दोनों की एक ही कॉमन वाइफ है उसको हम क्या बोलेंगे, फैमिलियल पॉलीएंड्री। ठीक है, ठीक है, अगेन वेरी टिपिकल, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड, बट आपको इसको बस समझना है एक सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोसाइटी में चीजें एग्जिस्ट करती हैं कहीं ना कहीं, तभी हम पढ़ रहे हैं इन चीजों के बारे में। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ये मोनोगैमी क्या हो गया, सिंगल पार्टनर। नॉन सीरियल मोनोगैमी क्या हुआ कि भाई एक ही पार्टनर पूरी उम्र के लिए। सीरियल मोनोगैमी क्या हुआ, एक ही पार्टनर बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में लाइफ में, एट ए टाइम एक ही पार्टनर है बट स्टिल उस पर्सन के मल्टीपल पार्टनर्स रहे हुए हैं। पॉलीगैमी क्या हुआ, सरोल की भाई आपकी एक जो पर्सन है उसकी मल्टीपल वाइव्स है, अगर वो सारी वाइव्स सिस्टर्स हैं तो सरोल पॉलीगैमी, और अगर वो रिलेटेड नहीं है तो नॉन सरोल पॉलीगैमी। अगेन पॉलीएंड्री, एक वुमेन है उसकी क्या है, मल्टीपल क्या है, हस्बैंड्स है, तो अगर वो भाई हैं आपस में तो फेटर्नल पॉलीएंड्री, अगर वो भाई नहीं है दे आर नॉट रिलेटेड तो नॉन फेटर्नल पॉलीएंड्री, और अगर बाप और बेटे की कॉमन वाइफ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैमिलियल पॉलीएंड्री। आई होप इतना क्लियर है। कुछ और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है मैरिज की, जैसे कि होमोगैमी। ठीक है, एग्जाम्स में देखो यही आएगा आपको, ठीक है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब होमोगैमी क्या होता है कि ये एक मैरिज यूनियन है दो पर्संस के बीच में जो इधर सेम एज के हों या सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, सेम सोशल स्टेटस हो, सेम सोशल स्टेटस है, सेम इकोनॉमिक स्टेटस है, मतलब बराबर के लोगों में अगर आपकी शादी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोगैमी। हेट्रोगैमी क्या है, जहां पे जो मैरिज हो रही है वहां पे जो पार्टनर्स हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो डिफरेंट है, डिफरेंट एज ग्रुप है, डिफरेंट आपकी एजुकेशन है, डिफरेंट आपका सोशल स्टेटस है, डिफरेंट आपका इकोनॉमिकल स्टेटस है। देन देर इज हाइपरगैमी। हाइपरगैमी को ही हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुलोमा विवाह या अनुलोमा, दोबारा लिख देता हूं मैं, अनुलोमाज मैरिज। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो शादी हो रही है उसमें क्या हो रहा है, जो मेल है वो हायर कास्ट का है और जो फीमेल है वो लोअर कास्ट की है। ठीक है, अगर इनके बीच में शादी होती है जिसमें हस्बैंड जो है वो क्या है, हायर कास्ट का, फीमेल लोअर कास्ट की, तो उसको हम बोलेंगे अनुलोमा विवाह, हाइपरगैमी, एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्र एंड ऑल इट इज अलाउड। ठीक है, देन देयर इज हाइपोगैमी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोमा, प्रतिलोमा विवाह। अब प्रतिलोमा विवाह क्या होता है, प्रतिलोमा विवाह क्या हुआ, जिसके अंदर मेल जो है वो लोअर कास्ट का है और जो फीमेल है वो हायर कास्ट की है। इस तरह की शादी जो है वो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स अलाउड नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। इस तरह की शादी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोमा विवाह। ठीक है, कई आपके उसके अंदर होता है ये भी शादी आपको देखने को मिलती है। देन देयर इज बाइगैमी। व्हाट इज बाइगैमी, देखें अब बाइगैमी क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एक शख्स दो वाइफ्स हैं उसकी और दोनों सिस्टर्स हैं और एट ए टाइम उनसे शादी कर रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइगैमी। ठीक है, इन विच ए मैन मैरिज टू सिस्टर्स एट द सेम टाइम। ठीक है, कई आप जैसे मिदारा ट्राइब है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, मैसूर की ट्राइब है मिदारा ट्राइब, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। देन देयर इज गोस्ट मैरिज ऑल्सो। अब देखो ये समझना, इसको गोस्ट मैरिज क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि हेलो आपको आवाज आ रही है, हाँ ठीक है, सपोज करते हैं दो भाई हैं, ठीक है, ये बड़ा भाई है और ये आपका छोटा भाई है, बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो यंगर ब्रदर को शादी करनी पड़ती है किसी एबीसी गर्ल के साथ। बट होता क्या है इसके अंदर कि जो नाम होगा, जो भी बच्चा पैदा होगा इस वेडलॉक से, उसको नाम और उसको मतलब किसका बेटा माना जाएगा, उस शख्स का जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि उसके बड़े भाई का। इस तरह की शादी को हम क्या बोलते हैं, गोस्ट मैरिज, क्योंकि उस बच्चे को एक ऐसे शख्स का नाम बोला जा मिला जा रहा है और यही कंसिडर किया जाएगा कि इसकी शादी एक्चुअल में इसके साथ हुई है। देखो शादी से पहले डेथ होगी हुई है,
ठीक है ना। बट उसके बावजूद भी देखो, तो शादी के बाद अगर डेथ हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेविरेट आ गया वो, है ना, जूनियर लेविरेट आ गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पर्सन की डेथ हो गई है, पर उसके बाद उसकी ब्रदर की, छोटे भाई की, किसी एबीसी गर्ल के साथ शादी होती है। जो बच्चा पैदा होता है उसको जो नाम दिया जाएगा, या फादर का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, वहां पे उस पर्सन का नाम लिखा जाएगा जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बड़े भाई का, ठीक है। और यही कंसिडर किया जाएगा कि उसकी एक्चुअल में शादी उसके बड़े भाई से हुई है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब क्योंकि उस पर्सन की डेथ हो गई है, तो दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, गोस्ट मैरिज। क्या बोलते हैं, गोस्ट मैरिज। आई होप आपको क्लियर है। देखो मैं क्यों डेफिनेशन नहीं लिखी हुई यहाँ पे, आपको अंडरस्टैंड करना है, अपने लेवल पे लिख लो उसको मोटा मोटा, बुकिश डेफिनेशन है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट देना है आपको, बस मैं समझा रहा हूँ, मेरा काम है आपके दिमाग में घोल के चीज डाल देना, ठीक है ना। बाकी उसी को बार बार रिवाइज करो, वीडियो को 2-3 बार देखो और आपको आराम से समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। देन एक और कॉन्सेप्ट आता है मैरिज पेमेंट का, अब इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो आपको देखने को मिलेगा कई जगहों पे कि जब भी शादी होती है तो देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में हो सकती है, काइंड की फॉर्म में हो सकती है, गिफ्ट की फॉर्म में हो सकती है, सर्विस की फॉर्म में हो सकती है, ठीक, किसी भी फॉर्म में वो ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलती है। जैसे डॉरी, आपको पता ही है डॉरी के अंदर क्या होता है, अगर एक पर्सन शादी कर रहा है किसी एबीसी गर्ल के साथ, तो उसकी जो फैमिली होगी, लड़की की फैमिली, वो क्या करती है, आपके जो ग्रूम है उसकी फैमिली को मनी देगी, गिफ्ट देगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देगी, जिसको हम डॉरी बोलते हैं। मानना जाता है कि भाई वो एक किस्म से, क्योंकि वो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे सकते थे, इसलिए काइंड ऑफ अपनी प्रॉपर्टी का एक पार्ट दे रहे हैं। सिमिलर मैनर में क्या है, ब्राइड वेल्थ है, जिसके अंदर क्या होता है, जो हस्बैंड होता है उसकी फैमिली जो है वो ब्राइड की फैमिली को क्या करते हैं, आपके गिफ्ट देते हैं, मनी देते हैं, गिफ्ट देते हैं। कहीं आपको सोसाइटी में यह भी देखने को मिलेगा, इमेजिन करो लड़के की फैमिली लड़की की फैमिली को क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस दे रही है उसको, अपना लड़के का इकोनॉमिक स्टेटस बता रही है, ठीक है ना। एक किस्म से ब्राइड्स वेल्थ, पहले इसको ब्राइड्स आपका प्राइस भी बोला जाता था कि, फिर वो थोड़ा उस टर्मिनोलॉजी को इन्होंने मतलब अब उस यूज नहीं किया जाता, इसको ब्राइड वेल्थ बोला जाता है, जिसमें ग्रूम के जो किन्स हैं दे पे टू द ब्राइड्स किन, ठीक है ना, कि भाई आप कि एक किस्म से आपका शो ऑफ हो जाता है, और किस्म से क्योंकि आप अपनी बेटी को दे रहे हो तो उसके मुआवजा उसका एंड ऑफ उसका दिया जाता था, ठीक है। तो डॉरी में क्या हो गया, लड़की की फैमिली, ब्राइड्स वेल्थ में क्या हो रहा है, लड़के की फैमिली, ठीक है। देन एक और कॉन्सेप्ट है सूटर सर्विस का, मोस्टली आपको ये देखने को मिलता है उन लोगों में जो एक किस्म के गिफ्ट्स या आपके पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। वहां पे आपको देखने को मिलता है कि जो ग्रूम है वो किसी फॉर्म की सर्विस किसको प्रोवाइड करता है, अपने फादर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, या फिर ब्राइड की फैमिली को, या वो ब्राइड की फैमिली के घर पे काम करेगा, या कोई झाड़ू पोछा लगाएगा, कुछ भी करेगा, आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ग्रूम नहीं करेगा तो ग्रूम का कोई नियरेस्ट किन भी है वो भी कर सकता है, आपको ये देखने को मिलता है। स्कीमोज में आपको देखने को मिलता है, बुशमैन ऑफ कालाघारी जो है ट्राइब वहां पे आपको देखने को मिलता है। अगेन देन देयर इज गिफ्ट एक्सचेंज, जिसके अंदर क्या होता है, दोनों फैमिलीज जो हैं वो क्या करती हैं, किसी ना किसी फॉर्म का गिफ्ट्स को एक्सचेंज करती हैं आपस में, ठीक है। आई होप ये जो टॉपिक है ये पूरा क्लियर हो गया। देखें मेरी पूरी कोशिश है कि भाई आपको ये जितने टॉपिक्स हैं ये मैं प्रोवाइड कर पाऊँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। बस आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई आप इस वीडियो को शेयर करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको चाहते हैं कि भाई मैं ये वीडियोस और बनाऊं, तो काइंडली कमेंट करें, इसको शेयर करें। देखें अगर आप की तरफ से मोटिवेशन आएगी तो ही मैं इस पूरे बैच को लेके आ पाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज जो हमारे अवेलेबल हैं, जो स्पार्क इंस्टीट्यूट है, जो कि आपका जीवल पे कैनाल रोड पे है, साइंस कॉलेज के एकदम अपोजिट नंबर वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे तो अवेलेबल है ही है, बैच चल रहे हैं, आप वहाँ पे आके भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं YouTube पे भी इस पूरी सीरीज़ को लेके आऊँ, तो काइंडली इसको शेयर करें और अच्छे से तैयारी करें। आई होप कि यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम दिस टाइम, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।